यहाँ पर तो छोटे छोटे होल्स हैं, फिर भी ये क्यों नहीं हो रहा है? माइनक्राफ्ट के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा और बहुत लोगों ने खेला भी होगा। मैं तो रोज ही खेलता हूँ, लेकिन माइनक्राफ्ट में कुछ ऐसे लॉजिक हैं जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाते, मगर कुछ लॉजिक ऐसे भी हैं अगर वो नहीं होते तो भाई माइनक्राफ्ट और भी हार्ड हो जाता। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं इन्हीं टाइप के कुछ माइनक्राफ्ट नॉनसेंस लॉजिक्स। नंबर 1। ओके गाइस, माइनक्राफ्ट में टॉर्च बहुत ही काम की चीज़ है जो कि हमें केव में ज़्यादातर काम आती है ताकि हम लोग रोशनी फैला सकें, जो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन गाइस, माइनक्राफ्ट का ये लॉजिक बहुत ही अजीब है कि गाइस हम लोग टॉर्च को कितनी भी देर लगा दें वो कभी भी बुझता ही नहीं है। हाँ गाइस, चाहे दिन हो या रात हो, कभी भी ये टॉर्च बुझती नहीं है। पता नहीं ये किस कोल से बनी हुई है। इवन गाइस, अगर रेन भी हो जाती है फिर भी ये टॉर्च बुझती नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। और गाइस, एक और लॉजिक कि गाइस अगर हम लोग टॉर्च को लगाते हैं तो वो रोशनी करता है, लेकिन गाइस अगर हम वही टॉर्च को हाथ में पकड़ते हैं तो गाइस बिल्कुल भी रोशनी नहीं करता है। वाओ, क्या लॉजिक है। नंबर 2। सो गाइस, आपको तो पता ही है कि माइनक्राफ्ट में सबसे धांसु चीज है TNT, जिसको कहीं भी लगा दो तो वो धमाका ही कर देती है। लेकिन गाइस अगर आप इस TNT को पानी के अंदर लगाते हो तो ये नहीं फूटता है। मगर ट्विस्ट की बात ये, अगर आप TNT के ऊपर सैंड रखते हो और गाइस तब आप इसको इग्नाइट करते हो, देन गाइस ये तबाही मचा देता है पानी के अंदर भी। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। नंबर 3। सो गाइस, ये लॉजिक तो आपके दिमाग की धज्जियां ही उड़ा देगा, लिटरली एक्सप्लोड हो जाएगा। गाइस, अगर हम पानी को कहीं पर भी डालते हैं वो फैल जाता है, लिटरली फैल जाता है इस तरीके से। लेकिन गाइस वही अगर हम फेंस के ऊपर डालते हैं, इन गाइस अगर हम फेंस के अंदर चले जाते हैं तो गाइस पानी कहीं से भी अंदर नहीं आ रहा है। लेकिन ये क्या है गाइस, यहाँ पर तो छोटे छोटे होल्स हैं, फिर भी ये क्यों नहीं हो रहा है? नंबर 4। ओके गाइस, ये लॉजिक बहुत ही अजीब है। गाइस अगर हम लोग माइनक्राफ्ट में पानी से जंप करते हैं तो हमें बिल्कुल भी जंप का डैमेज नहीं होगा। हालांकि मुझे हुआ क्योंकि मैं नूब हूँ। लेकिन गाइस वही अगर आप वो रियल लाइफ में करोगे तो समझ लो क्या होने वाला है आपके साथ। नंबर 5। ओके गाइस, ये लॉजिक तो आपको समझ ही नहीं आएगा। अगर कोई भी विलेजर अगर सो रहा होता है और उसके ऊपर हम लोग गलती से भी लावा डाल देते हैं, लेकिन वो नहीं जा। अबे कुत्ते शांत हो जा। सो गाइस, ये कुत्ता तो नहीं मानने वाला। अबे यार। सो गाइस, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। ओके गाइस, तो मैं बोल रहा था अगर विलेजर सोता है और उसके ऊपर हम लोग लावा डाल देते हैं तो उसको कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि ये सुपरमैन बन जाएगा। लेकिन दिन होते ही इसका तो सत्यानाश हो जाता है। ओके गाइस, आप लोग को तो पता ही होगा अगर हम लोग क्रीपर को इससे इग्नाइट करते हैं तो ये फट जाएगा। लेकिन गाइस, उसी क्रीपर को अगर हम लोग इस तरीके से जलाएंगे तो उसको कुछ नहीं होगा और वो फूटेगा भी नहीं। वाह, क्या लॉजिक है गाइस। ओके गाइस, आप लोगों ने कभी ना कभी तो लामा को देखा ही होगा, ये कैसे बदसूरत से देखते हैं। लेकिन गाइस अगर आप लोग गलती से भी इनको टच कर देते हो तो ये लोग ऐसे आप पे थूकेंगे। तो गाइस जब आप इसको मारते हो और ये आप पे थूकेगा तभी आप इसको थूक वापस दे सकते हो। सो गाइस, ये कैसे पॉसिबल है? कहीं आप उसका थूक हाथ में पकड़ के उसी के ऊपर वापस मार रहे हो? स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। नंबर 8। सो गाइस, कांच माइनक्राफ्ट का सबसे कमजोर ब्लॉक लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसको बिना किसी हथियार से हम लोग हाथ से भी तोड़ सकते हैं। लेकिन गाइस उसी जगह पर अगर ये एनविल इस पे गिरेगा तो क्या होगा? जैसे कि हम लोगों ने सोचा था, ये कांच नहीं टूटेगा क्योंकि गाइस ये अंबुजा सीमेंट से बना हुआ कांच है। ये क्या बात करता है यार। कोई नहीं गाइस, मजाक कर रहा था। नंबर 9। ओके गाइस,
अगर इस चेस्ट में आयरन गोलम खड़ा हो जाता है तो ये चेस्ट फिर भी खुलेगी, लेकिन लेकिन गैस उसी जगह पे अगर ये पतली सी सुक्कड़ सी बिल्ली बैठ जाए तो ये चेस्ट बिल्कुल नहीं खुलेगी। साले मजाक बना के रखते हो। सो गैस आप ही बताओ ये लॉजिक बनाता है कि नहीं। नंबर 10। ओके गैस आपको तो पता ही होगा कि माइनक्राफ्ट का अभी तक का सबसे खतरनाक आर्मर होता है नेदरराइट आर्मर, क्योंकि हमें लावा में मरने से लिटरली बचा सकता है। और गैस इसको कहीं भी फेंकने से ये जलता ही नहीं है। देखो गैस ये कैसे ही तैर रहा है। लेकिन गैस इसको तोड़ने के लिए भी एक चीज बनी है जो कि है ये मामूली सा कैक्टस। Are you sure about that? Yes, ये कैक्टस कुछ भी कर सकता है। सो गैस आपके सामने मैंने अभी ये नेदराइट का आर्मर फेंक दिया, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ गया। ओके गाइस ये कैक्टस इतना भूखा था कि ये पूरा का पूरा नेदरराइट खा गया। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। कैक्टस गाइस लिटरली माइनक्राफ्ट में कुछ भी गायब कर सकता है। इसको गाइस माइनक्राफ्ट का डस्टबिन घोषित कर देना चाहिए। गजब बेइज्जती है। आज की माइनक्राफ्ट के लॉजिक कुछ ज्यादा ही अजीब थे और कुछ ज्यादा ही खतरनाक थे, लेकिन इनको करने में बहुत ही मजा आया। अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि लाइक करने में लॉजिक बनता है। ये भी ठीक है। सो गाइस इसी तरीके के वीडियो और चाहते हो तो कमेंट भी कर दो। तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। पीस आउट।